हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं सैमसंग A2 कोर की, जिसमें लगा हुआ है 5G लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते हैं मेरी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपना फ़ोन यानी वाईफाई नेटवर्क से यानी कनेक्ट करना है। तो हम अपना फ़ोन यानी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये पैटर्न लॉक और गूगल अकाउंट दोस्तों ये मांगेगा। इन दोनों का हमें पता नहीं है, और दोस्तों इनका पता होता तो फ़ोन खुल जाता है, वरना फ़ोन हमारा नहीं खुलेगा। तो खोलने के लिए सबसे पहले करना क्या दोस्तों, यानी कि बिल्कुल बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों इसमें एक सिम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कोई भी आपका सिम यानी खराब सिम ले लें, उसमें दूसरे फ़ोन में डाल के यानी कि पिन लॉक लगा लें। मैंने लगा लिया, यानी कि पिन लॉक लगा लिया मैंने, दूसरे फ़ोन में सिम डाल के अपना पिन लॉक लगा लिया खराब सिम है। तो वो फिर इमरजेंसी कॉल पर जाना है। इमरजेंसी कॉल पर जाने के बाद देखते हैं दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, पहले सिम ले लेता हूँ अपनी जो है इसमें सिम स्लॉट में, यानी कि सिम डाल लेता हूँ। तो मैं सिम लगा लेता हूँ। इसमें लगाने के बाद दोस्तों सिम अपने फ़ोन में डालना है सिम, और फिर डालने के बाद दोस्तों नीचे जाना है, पहले इमरजेंसी पे जाना है। यहाँ इमरजेंसी पे क्लिक करना है, फिर यहाँ करने के बाद दोस्तों इस पर यहाँ जाना है। फिर यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको सिम इसमें जो है लगा देना है। सिम लगाने के बाद दोस्तों इधर एक जो है ना, यानी कि निशान आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यानी कि आ चुका है। फिर आपको करना क्या है, निशान आने के बाद दोस्तों यानी कि इसमें से सिम जो है निकालना है। सिम निकालने के बाद दोस्तों जैसे ही सिम निकले तो पावर वाला बटन यानी कि ऑन वाला बटन यानी कि दबा देना है। तो मैं सिम निकाल लेता हूँ इसका। सिम निकालने के बाद दोस्तों ये एकदम ही यानी कि ऑन ऑफ वाला बटन जो है वो दबा देना दबाना है। फिर यानी कि हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा फ़ोन यानी कि लॉक स्क्रीन पे चले जाएगा। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों जो है यानी कि इसका जो है ये नोटिफिकेशन सेटिंग इससे जो है नीचे करना है। नीचे करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इस पर यानी क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ एप्स नोटिफिकेशन जो है सबसे ऊपर इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ यूट्यूब का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, यानी कि यूट्यूब गो, तो इस पर जाना है। फिर यहाँ नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आना है अबाउट में। फिर यहाँ यूट्यूब टर्म एंड सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमारे फ़ोन का यानी ब्राउज़र होता है दोस्तों वो यानी खुल चुका है। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ होम पे जाना है। फिर गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैं साइट का नाम डाल लेता हूँ, तो वही साइट आपको डालनी है। तो मैं डाल लेता हूँ BK स्मार्टफोन। तो यही साइट आपको दोस्तों डालनी है अपने फ़ोन में, BK स्मार्टफोन। और डालने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर वाली साइट जो BKSmartphone.com वाली है, इस साइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ गूगल अकाउंट बाईपास पे जाना है। और यहाँ जाने के बाद दोस्तों एक नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद दोस्तों एक यहाँ से 5 नंबर की एप्लीकेशन Android 8, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि डाउनलोड करना है। तो मैंने इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन है डाउनलोड होनी यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। फिर स्टार्ट होने के बाद दोस्तों एक एप्लीकेशन है FRP बाईपास दूसरे नंबर की, तो इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में नहीं डाउनलोड करना। फिर बुकमार्क्स में जाना है, फिर हिस्ट्री में जाना है, इधर डाउनलोड हिस्ट्री पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से दोनों एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो जाएंगी। फिर Android 8 जो एप्लीकेशन है सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, और फिर इसे टर्न कर देना है, इसे ओपन नहीं करना है दोस्तों, ओपन नहीं होने की। फिर FRP बाईपास जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट में जाना है ऊपर, फिर ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करना है, फिर ओके। और दोस्तों ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ अपना गूगल अकाउंट डालना है दोस्तों, यानी कि ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो दोस्तों आप पहले बना लें दूसरे फ़ोन से या कंप्यूटर से आप बना लें, और डाल यानी कि प्ले स्टोर की जो आईडी होती है वो इसमें यानी कि लॉगिन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे पहले वाला अकाउंट जो हमारे फ़ोन में डाला हुआ था वो यानी कि डिलीट हो जाएगा, और नया अकाउंट दोस्तों यानी कि ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन यानी कि रिस्टार्ट कर देना है। तो मैं अपना फ़ोन यानी कि रिस्टार्ट कर लेता हूँ, और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल ओके यानी कि खुल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करो, दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन जो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसे एग्री कर लेता हूँ यहाँ। एग्री करने के बाद दोस्तों जो हमारा अकाउंट पहले पड़ा हुआ था वो डिलीट हो चुका है, और नया अकाउंट हमने जो इसमें ऐड करा है वो यानी कि ऐड हो चुका है। देखें दोस्तों अकाउंट ऐड, और हमारा फ़ोन बिल्कुल फाइनली दोस्तों खुल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना फ़ोन यानी कि सैमसंग A2 कोर आपके पास आता है, तो इसी तरीके से उसका FRP बाईपास आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हमारे फ़ोन का जो सेट है वो कम्प्लीट अब होने वाला है। फिर यहाँ फिनिश, फिर से ऑल डाउन, और यहाँ से यानी कि अब जो इसे मैं यहाँ इंग्लिश सुन लेता हूँ, यहाँ नेक्स्ट, और यहाँ कंटिन्यू, यहाँ स्किप स्किप करना है दोस्तों, यहाँ इंस्टॉल, और हमारा फ़ोन का जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमारा फ़ोन यानी फाइनली बिल्कुल दोस्तों ओके यानी खुल चुका है। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने, आपका दिन शुभ होगा। वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।